वाह वाह, इस आइसक्रीम का तो मजा ही कुछ और है। रोको चाचू, जल्दी मेरे साथ आओ। ओए भतीजे, वो तो ठीक तो है ना? चाचू के रहते भतीजे को कुछ हो सकता है क्या? ये रहा आपका बैग। भाया, आप लोग कौन हो? हम फॉरेन से आया जासूस हैं। हमने इधर पंतूष नगर में अपना डिटेक्टिव एजेंसी खोला है। है? फंटूष नगर में नई डिटेक्टिव एजेंसी? ऐसे ही जूते तो चोर ने भी पहन रखे थे, ये क्या चक्कर है? आगे से कोई भी काम पड़े तो हमें जरूर याद कीजिएगा। ये रहा हमारा विजिटिंग कार्ड। सुनिए सुनिए, मेरी बाइक चोरी हो गई है, आप उसे ढूंढने के लिए कितनी फीस लेंगे? देखो जी, वैसे तो आप तकलीफ में हैं, तो हमें आपकी मदद करनी चाहिए, लेकिन कोड़ा कास से दोस्ती करेगा तो फिर खाएगा क्या? इसलिए फीस तो लेनी पड़ती है ना, तो आप हमें 2000 रुपये दे दो जी। ठीक है, आप कोटेशन दे दो। ये लो जी। चाचा, हमको भी कोटेशन दे दीजिए, हमारा भी हाथ गाड़ी चोरी हुआ है। लो जी, थैंक यू। ये भी लो। ओ, मैंने कहा पल्ला साहब, आप ना जी आज से मेरी सैलरी बढ़ा दो। सैलरी बढ़ा दूं? क्यों बढ़ा दूं? कैसे बढ़ा दूं? कहां से बढ़ा दूं? पैसे कोई पेड़ पे नहीं उगते। ओ पल्ला साहब, आप पैसे की तो चिंता ही मत करो, आज मैंने बहुत काम किया है। आज 100 लोग अपनी कंप्लेंट लेकर आए थे। तो तुमने उन 100 लोगों से फीस जमा कर ली? ओए नहीं जी, मैंने सबको कोटेशन दे दिया है। ये देखो, पूरा का पूरा लेटर हेड खत्म हो गया है। और फीस तो लोग केस सॉल्व होने के बाद ही देंगे। लेकिन केस सॉल्व करवाने सब लोग सामने वाली सुपर फास्ट डिटेक्टिव एजेंसी में चले गए चाचू, क्योंकि उन्होंने हर केस पर 50% डिस्काउंट का ऑफर जो दे रखा है। क्या चाचा, तुमने कमाया तो एक पैसा नहीं, ऊपर से पूरा का पूरा लेटर हेड खत्म कर दिया। मैंने 15 साल से उसमें से एक पेज भी खर्च नहीं किया, अब मैं तुम्हारी 2 महीने की सैलरी काट लूंगा। ये पल्ला साहब बिना हर वक्त बेचारे चाचे की सैलरी काटने के बहाने ढूंढते रहते हैं। हाय हाय, एक नंबर के कंजूस मक्खी चूस है मेरे पति। हाय हाय, किसी को पता ना मत। देखो, हमारी सुपर फास्ट एजेंसी का काम करने का सुपर फास्ट तरीका। 2 दिन में 200 केस सॉल्व कर दिए। और 2 दिन में 200 वारदातें भी तो हुई हैं। अचानक वारदातें बढ़ कैसे गईं? सब लोग अपना अपना नंबर देखकर अपनी अपनी चीजें ले लीजिए। ये लोग तो बहुत फास्ट हैं। चाचा भतीजा तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। हाँ। ओए भतीजे, ओ लगता है कल से हमें दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। ये विदेशी जासूस तो बहुत ही स्मार्ट है। चाचू, ये कुछ ज्यादा ही स्मार्ट लग रहे हैं। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। अब हमें पूरे शहर पर खास नजर रखनी होगी। हाँ?
ओए वाह भतीजे, क्या शॉर्टकट मारा है। ओए चाचा भतीजा से होशियारी। रूपनी जी आपने उस कार से मोटरसाइकिल चुराई है। ओ भैंस की पूंछ, ओ इंस्पेक्टर बंदूकनी सिंह को चोर बोलता है। एक तो तन्ने बीच रास्ते रस्सी लगाकर हमारी मोटरसाइकिल तुड़वा डाली, ऊपर से सारा मेकअप खराब कर दिया। ओ बहादुर सिंह शीशा दिखा। मैडम जी ये क्या? अरे यो मैडम जी का स्टाइल है। सॉरी बंदूकनी जी, लेकिन हम तो चोरों का पीछा कर रहे थे। वो लोग शर्मा जी के घर से उनकी मोटरसाइकिल चुरा के भागे हैं। अब बावड़ी बुझ, मैं भी तो चोरों का ही पीछा कर रही थी, मगर वो न जाने कहां से निकल गए। लगता है उधर है। चलो अब भैंस की पूछ, और मोटरसाइकिल चुरा कर भाग रहा था। रयो तो वही नई डिटेक्टिव एजेंसी वाला आदमी से भाग रहा था। नहीं बंदूकनी जी, भाग गया। चोर तो भाग गया, लेकिन हमने उससे ये मोटरसाइकिल छीन लिया। अच्छा तो पहले से यहाँ क्या कर रहे थे? पीछा, चोर का पीछा कर रहा था हम लोग। हमारा दूसरा साथी अभी अभी चोर का पीछे गया है, शायद चोर को पकड़ सके। लेकिन ये शॉल जो आपके हाथ में है, ये तो चोर ने ओढ़ रखी थी। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये शॉल चोर नहीं ओढ़ रखी थी। हमने उसको पकड़ा तो शॉल हमारे हाथ में रह गई और चोर भाग गया। हर बार चोर ही भागता है और माल पकड़ा जाता है, और हर बार ऐसा इन फॉरेनर्स के साथ ही होता है, या फिर ये सब यही करते हैं। कोई तो चटपटा आइडिया लगाना ही पड़ेगा। चाची सुनिए, बच के कहां जाओगे? हाय हाय, ये क्या कर रहे हो? आजकल तो जब देखो तब मक्खियां ही मारते रहते हो। तो और क्या करूं? काम धंधा तो कुछ है नहीं, कितने दिन से कोई केस भी नहीं आया। ऊपर से मेरे चाय के गिलास से दो बूंद चाय मक्खियां पी गई। ये देखो देखो, भल्ला की चाय कोई मक्खी पी जाए, ये कभी नहीं हो सकता। चोरों से चोरी। ओए ये ट्रक हमारे हवाले कर दो, वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। ओ मेरी गन। ओए चाचे के कर दिया तूने। जिसकी किस्मत में जो जो है उसको वो मिलेगा। हाथ ऊपर कर लो दोस्तों, अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा। हमको लूटने चले थे। अब बोलो बोलो क्या हुआ, डर लग रहा है क्या? ओए डेकू भाई साहब, क्या कर रहे हो? चोर चोर भाई भाई, अब डेकू हम चोर, हमें क्यों लूट रहे हो? ये लात तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। जिज्जे, इससे पहले कि अपनी पोल खुल जाए, जो भी सामान है इकट्ठा करके निकल जाते हैं। जिज्जे, ओए भतीजे, वो ये दोनों तो भाग गए। कोई चटपटा आइडिया जल्दी से निकाल। आइडिया, फिकर नॉट चाचू, मुझे पता है वो कहाँ गए होंगे और कहाँ मिलेंगे। चलो मेरे साथ। देखिए, शांत हो जाओ। हाँ हाँ, देखिए, गौर से देखिए, ये डंका और ढोलकी है। इन्होंने उन विदेशी जासूसों को किडनैप कर लिया है, और आपकी बाइक्स और कार भी चुरा ली है।
ये लोग फिर से उन विदेशी जासूसों का गेटअप पहनकर आपको धोखा देने आए हैं। तुमने उन बेचारे विदेशी जासूसों को किडनैप किया? तुम्हारी इतनी हिम्मत? वो हमारे मेहमान हैं। ये तो चीटिंग है, चीटिंग है, चीटिंग है। हमने किसी को किडनैप नहीं किया। यहाँ कोई विदेशी जासूस नहीं था। जो थे हम ही थे। हम ही तुम्हारी कार्स आधी रात को चुराते थे और दिन में तुम ही लोगों को वापस कर देते थे। प्लीज हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो। बुरे काम का बुरा नतीजा। ओए चाचा। ओए हाँ भतीजा। ओए भतीजे, कोई कहीं भूकंप तो नहीं आने वाला है? चाचू ये भूकंप नहीं है, ऊपर देखो। चाचू हेलीकॉप्टर अगर मार्केट में गिरा तो बहुत से लोगों की जान खतरे में आ सकती है। हमें लोगों को होशियार करना होगा। चाचू मैं अपने स्केट्स पे आगे निकलता हूँ। ओए मैं इसे दिखाता हूँ। ओए जी मिस्टर हेलीकॉप्टर, बर्बाद कर दिया मेरा स्कूटर, अब नहीं छोड़ूंगा। ओए अरे 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 कोई बचाओ भतीजे। सब लोग ध्यान से सुनो, एक हेलीकॉप्टर खराब हुआ है और वो इसी तरफ आ रहा है, इसलिए हम सबको एक सेफ जगह पे शिफ्ट होना है। जल्दी करो, भागो यहाँ से। अरे फाफड़ा जलेबी वेस्ट कैसे करें? वैसे क्या कोई पेड़ पे उगते हैं? बलवान तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी जलेबी उड़ाई, तुझे नहीं छोड़ूंगा। ओ पल्ला जी, लेकिन उसके लिए पहले पकड़िए तो सही। जय योग के चल रहा सर। चाचू आपको कुछ हुआ तो नहीं? ओहो, भतीजे के होते चाचा को कुछ हो सकता है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी जान बचाई और मेरा हेलीकॉप्टर भी। रब बावड़ी बूझ भैंस की पूछ, वैसे तो भतीजे ने पूरे शहर की जान बचाई सर, लेकिन यो हेलीकॉप्टर इब पेड़ से कैसे उड़ेगा? बंदूकनी जी इसका हल है खोजी अंकल। ओए भतीजे यो के दिया खोजी ने हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए बबल गम। ओए क्या मजाक है चाचू, खोजी अंकल ने बोला है तो कुछ तो होगा। मैंने कहा जी खोजी सिंह की खोज और भतीजे की सोच का कोई जवाब नहीं। ये क्या कमाल है। ओए रुक जा बलवंत, फ्री में उड़ने का मजा मुझे भी चाहिए। हम भी खाएंगे। ओए चिंचे मुझे चूटी तो काटो, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। चिंचे इतने जोर से भी नहीं। ढोल के नींद खुली की नहीं। ओए चिंचे ये सपने में नहीं,
सच में हो रहा है, तू देखो। ओए ढोलकी, अपनी आंखों पे भरोसा ही नहीं हो रहा। जल्दी से मनमोह जी को फोन करो। अरे ये क्या कर दिया आपने? ओए ओए, बहुत हो गया उड़ना, अब नीचे कैसे उतरेंगे? हवा तो वेस्ट में बह रही है, यहाँ से वेस्ट में ऊंचाई यानी लाइट हाउस। चाचू, बंदूकनी जी, भल्ला अंकल, सब लोग ध्यान से सुनिए, कोई भी बबल गम को अपने मुंह से छोड़ना मत, वरना आप सब लोग ऊंचाई से गिर जाएंगे। सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ो, हवा आपको धीरे धीरे लाइट हाउस की तरफ ले जाएगी, फिर मैं वहाँ से बबल गम स्ट्रेच करके आप लोगों को नीचे उतार दूंगा। बबल गम गुब्बारे सिर्फ खोजी अंकल के दिए हुए सिजर से ही कट हो सकता है। वाह मनमोजी साहब, क्या चाल चली है। लेकिन छिंचे, इनको बचाने के लिए तो भतीजा आ जाएगा। खोजी करे खोज और मनमोजी मारे मौज, यही तो मेरा प्लान है। अब मुझे ऊपर जाना ही पड़ेगा। मौजी सर जी, भतीजा हमें गुब्बारे में फंसा देगा, उसकी तरफ मत जाओ। ये ले। ओए मनमौजी सर जी, ये कैसे किया? ये है मेरी पलटवार गन, जिसने खोजी का खेल खत्म कर दिया। देखो तो। ये क्या? ओए मुंह तो खुल गया लेकिन मैं अब खुद ही बंद हो गया। जिंजे, अब मेरी बारी। हो, लेकिन मेरे पास भी खोजी अंकल की बलून कटिंग सिजर है। ओह, ये सिजर तो अब इस बलून पर काम नहीं कर रही है। काम करेगी कैसे? पलटवार गन में चमत्कारी चिपकू गम जो डाला है, सारे खोजी के आविष्कार है ना। ओए भतीजे, ओए ये क्या हो रहा है? सारे खोजी अंकल के आविष्कार इस्तेमाल करके मनमौजी ने हमें ही फंसाया है। रब बावड़ी बूझ भैंस की पूछ, और तो इब के करेंगे। इससे पहले कि मनमौजी अपनी अगली चाल चले, हमें खोजी अंकल से हेल्प लेनी होगी। ढोलकी, इतने दिनों की ख्वाहिश पूरी हो रही है, इन सब को लात मारने की। ओए जिंजे, वैसे भी बहुत दिनों से फुटबॉल नहीं खेले हैं। खेलो। अब तो इस गुब्बारे को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। क्या लाइन बोलती है बंदूकनी जी? कानून के हाथ और बंदूकनी की लात से कोई नहीं बच सकता। अब हमारी लात से बच के दिखाओ। ये लो गो। सब लोग ध्यान से सुनो, ये हमें क्लिफ से नीचे गिराने जा रहे हैं, इसलिए अब इन्हें चकमा देना है। ओए भतीजे, जल्दी कुछ चटपटा आइडिया निकाल। आइडिया। अटैक! अटैक!
करोगे? जी, ये रही मेरी आर पार सुइयां जो निकालेंगी तेरे बलून की हवा। अरे खोजी अंकल, सही टाइम पर आए हो। बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा? हाँ भतीजा। नगर में है दो मत वाले, दिखते हैं भोले भाले पर है ये हिम्मत वाले। सब चोर चक्के इनके नाम से कापे, जब सामने आ जाए तो सारे रास्ता नापे। हमसे पंगा लेने का होगा बुरा नतीजा, बड़े बड़ों की छुट्टी कर दे चाचा और भतीजा। चाचा और भतीजा,